हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। आईसीएआर में यूडीसी और स्टेनो के रिक्रूटमेंट आपको बहुत ही जल्द इस साल अक्टूबर या नवंबर में देखने को मिल सकती है। ऐसे में जितने भी स्टूडेंट जो आईसीएआर की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट की, तो आप सभी आगे आने वाली वैकेंसी की भी प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि आपके लिए एक बेहतर मौका है यूडीसी या स्टेनोग्राफर बनने का। अब यहाँ पर मैंने यूडीसी के लिए अलग से वीडियो बना दिया है कि किस तरीके से वहाँ पे एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, क्या प्रमोशन के चांसेस आपके होते हैं, किस तरीके से आप प्रमोट हो सकते हैं। और यहाँ पर आज मैं आपको स्टेनो के बारे में मैं आपको बेसिक सी डिटेल्स में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे स्टेनोग्राफर में आपका टोटल 3 सब्जेक्ट्स आपके पूछे जाते हैं, इंग्लिश, जीए और आपका रीजनिंग। और उसके बाद आपका स्टेनो का स्किल टेस्ट होता है जो कि 81% की वहां पर आपकी स्पीच बोली जाती है, हिंदी या इंग्लिश में, जो आप चूज करोगे वहां पे। एक चीज आप वहां पे आप ध्यान रखें कि कुछ लोग हिंदी में फॉन्ट पूछते हैं, तो वहां पर आपको मंगल फॉन्ट भी आपको दिया जाता है, कृतिदेव, रेमिटर, सारे फॉन्ट आपको वहां पे अवेलेबल होते हैं। तो जिस फॉन्ट में आपने सीखी हो आप वहां पे टाइपिंग कर सकती हो। अब यहाँ पे एक चीज जो आप सभी को लगती है कि भाई स्टेनोग्राफर में आपके क्या चांसेस होते हैं प्रमोशन के, कहां तक आप फाइनली पहुंच सकते हैं, तो यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि स्टेनोग्राफर में आपका जो पोस्टिंग होता है वो एज ए ग्रेड 3 स्टेनो होता है, और पहला जो आपका प्रमोशन होता है वो आपका पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे होता है, जो कि आपका 4600 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। साथ ही यहाँ पर आपका 2400 से सीधा 4600 जंप होता है, और ये प्रमोशन आपका अलग तरीके से होता है। अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं देते हो तो उसमें आपके लगभग 50% जो सीट्स होती है वो आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम जो नहीं देते उनके लिए रिजर्व रखी जाती है, तो उनके लिए प्रमोशन आपका 10 साल में आपका यहाँ पर किया जाता है। साथ ही जितने भी स्टूडेंट जो डिपार्टमेंटल एग्जाम देते हैं उनके लिए ये प्रमोशन आपका 6 साल में आपका होता है। साथ ही डिपार्टमेंटल एग्जाम में आपका क्या रहता है, तो वहां पर आपकी स्टेनो की 100 वर्ड पर मिनट की स्पीच बोली जाती है, जो कि आपको वहां पर लिख के क्वालिफाई वहां पर आपको करनी पड़ती है। ठीक है, अब यहां पे बात करें कि भाई पर्सनल असिस्टेंट से नेक्स्ट आपका जो प्रमोशन होता है वो आपका क्या रहता है, तो वो आपका प्रमोशन होता है प्राइवेट सेक्रेटरी का, और वो आपका 4800 ग्रेड पे का प्रमोशन होता है। तो जब आप 5 साल की रेगुलर सर्विस आप एज ए पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर कर लेते हो तो नेक्स्ट प्रमोशन आपका प्राइवेट सेक्रेटरी का आपका रहता है। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिए कि यहां पर आपके हेडक्वार्टर में भी पोस्टिंग होती है और इंस्टीट्यूट में भी प्राइवेट सेक्रेटरी की पोस्टिंग जो है वो आपकी रहती है, लेकिन डिपेंड करता है हेडक्वार्टर में आपका जो पे स्केल रहता है वो आपका 5400 ग्रेड पे का आपका 53100 जिसका बेसिक होता है वो आपका रहता है, और इंस्टीट्यूट में आपका जो ग्रेड पे होता है वो आपका 4800 मतलब 47600 जिसका बेसिक होता है वो आपका ग्रेड पे आपका रहता है। तो बेसिक से एक डिफरेंस रहता है इंस्टीट्यूट और आपका हेडक्वार्टर में। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो होम पोस्टिंग की चाह रखते हैं वो कोशिश करें इंस्टीट्यूट को ऑप्ट करने का, क्योंकि इंस्टीट्यूट इनके लगभग मेन सिटी में आपके अवेलेबल है। बाकी पूरी लिस्ट के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर मैं पूरी लिस्ट डाल दूंगा कि इनके कहां कहां पे इंस्टीट्यूट है, जिससे आपको इजीली पोस्टिंग लेने में आपको आसानी हो सके और आपको होम पोस्टिंग मिल सके। एक चीज यहाँ पे और मैंने बताई हुई है कि ये आपकी परमानेंट जॉब है, गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि आईसीएआर एक खुद ऑटोनोमस बॉडी है जैसे बैंक्स आपकी रहती हैं। फिर प्राइवेट सेक्रेटरी से जो नेक्स्ट आपका प्रमोशन होता है वो आपका होता है स्पेशल असिस्टेंट टू चेयरमैन एएसआरबी। ठीक है, ये जो आपका प्रमोशन होता है वो आपका ग्रेड ए का प्रमोशन आपका होता है, और यहाँ पे जब आप एज ए प्राइवेट सेक्रेटरी आप 6 साल की रेगुलर सर्विस आप कंप्लीट कर लेते हो तब ये आपका प्रमोशन आपका स्पेशल असिस्टेंट का दिया जाता है। लेकिन ये प्रमोशन आपका लगभग ओवरऑल अगर अभी तक माने तो लगभग 7 से 8 साल में ये प्रमोशन आपका दिया जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो प्रमोशन होते हैं वो आपका सिक्योरिटी सुपरवाइजर, इस तरीके से भी आपके वेरी करते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है आपका किस एज में आप ज्वाइन करते हैं। अगर अर्ली एज में ज्वाइन करते हैं तो आप इजली पहुंच सकते हैं, अगर आप एर्ली एज में नहीं ज्वाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं आप फाइनली प्राइवेट सेक्रेटरी तक भी आप रिटायर हो सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है प्रमोशन का कि वैकेंसी आपकी किस टाइम अवेलेबल है, किस टाइम आपकी नहीं है। तो जितने भी स्टूडेंट जो फाइनली स्टेनोग्राफी की तैयारी कर रहे हैं तो आगे आपको बहुत और भी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे मिलने वाली है, तो उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइमली आपको पता चलते रहे, जो भी आपके अपडेट्स यहाँ पे दी जाती है वो भी आपको पता चलते रहे। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ओके।